die Dauer. Ja, das. Ja. رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلى على محمد وآل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على آل محمد پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ بالله من الشر آج میں خدا گواہ ہے آج میں قرآن سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کیا ہے اور علی کیا ہے سمجھ آئیے میں آج کیا کہہ رہا ہوں بابا جنرل صاحب کیا میں یہ کہنے لگا جتنے میرے بزرگ تشریف فرما ہیں جو میرے ساتھ نہیں چلے گا انہیں سمجھ نہیں آئے گی پوچھتا پھرے گا اور پھرتا رہے جو مجلسوں میں بھی غور نہ کرے پھر وہ پھرتا رہے یہاں آتے ہیں آپ سننے کے لیے سمجھنے کے لیے معرفت لینے کے لیے ہائے 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 غیروں کو جائیے اب آپ فرمائیں گے توجہ چونکہ یہ وقت تھوڑا سا ایک گھنٹہ ہوتا ہے سارا اس ایک گھنٹے میں مجھے بات مکمل کرنی ہے اب آپ کی پوری توجہ ہوگی صاحبان علم بیٹھے ہیں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے خدا کرے آپ کا علم اور بڑھ جائے عرفان اور بڑھ جائے یہ میری جو چھوڑی سی کوشش ہے خدا کرے بار آور ہو اور جب آپ اٹھیں تو یقیناً کہہ کے آگے بڑھیں وہ اللہ ہے یہ علی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ اللہ ہے یہ علی ہے سمجھ آ رہی ہے میرے پتر میں نے بہت بڑی بات میں نے کہہ دی بس یہیں سے بات کو سورہ الصافات 23واں پارا اگر 23 کو جمع کریں تو 5 بنتا ہے ٹھیک ہے 5 بنتا پانچ اور اس آیت کے آخری آیتیں میں نے پڑھی ہیں 180 181 182 نمبر آیات پڑھی ہیں 180 کو جمع کریں تو 9 بنتا خدا جانے 5 سے شروع ہوا 9 پہ ختم ہوا یہ 9 جناب سیدہ پاک کا عدد ہے میرے بھائی اس آیت کریمہ میں توجہ فرمائے میری مائیں بہنیں بھی سنیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت ریسرچ رکھتی ہیں خالق ارشاد فرما رہا ہے سبحانہ ربے کا میرا حبیب رسول سے اللہ فرما رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے مخاطب رسول ہے
अल्लाह जाने जब इन दोनों की अपनी अलहदगी में बात होगी उस बात का मेयार क्या होगा, समझ नहीं आई। हाय हाय, जब अल्लाह कहेगा इधर उधर ना देखे, ना देखे, देख ले पहले फिर मैं शुरू करूंगा। आगे आजा पुत्र, आगे यार, जगह में आ यार, आगे आजा। सुभाना, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, इतनी अहम बात मैं कहूंगा, अहम बात, अल्लाह करे आप समझ सकें और मैं समझा सकूं, इसलिए मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, मेरी बात गौर से समाज फरमाएं। आज तक तारीख में ये जुमले किसी आलिम ने नहीं कहे जो मैं आज कहना चाहता। सुभाना, और मेरा मौजू चल रहा है आप रोज आते हैं। सुभाना, खालिक फरमा रहा है जहां लफ्जों की भी कमी नहीं, इल्म की भी कमी नहीं, वो कह रहा है रसूल से सुभाना रब्बे का, मेरा हबीब तेरा रब सुभान है। हाय, तेरा कौन कह रहा है, अल्लाह खुद सुभान कह रहा है रसूल से, हबीब तेरा रब सुभान है। फिर मैं कहूं ना खुदा जाने कैसा सुभान है, तेरा रब सुभान है। देखिए सुभान से बात कर रहा है खालिक, जब रसूल से बात करता है क्या कह रहा है, सुभान रब्बे का तेरा रब सुभान है। मैं लफ्ज कहूं तो जो फरमानी आपने, ये देखिए अभी आप भी जब इस सुभान की लफ्ज में ताज्जुब भी मौजूद है और हैरत भी मौजूद है, सुभान की लफ्ज में ताज्जुब भी है, हैरत भी है, जब आपका इरफान ताज्जुब से बढ़कर हैरत में आता है, हैरत ही को मारिफत कहते हैं। जब आप मारिफत में पहुंचते हैं ना, बेसाख्ता जुबान से निकलती है सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, जब हमारा इरफान बढ़ता है, गौर नहीं फरमा रहे आप, तो हमारे मुंह से बेसाख्ता निकलता है सुभान अल्लाह। कहूं जब अल्लाह इन 14 की बात करता है वो भी बेसाख्ता सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। सुन क्या मेरी बात को बाबा, सुभान तेरा रब सुभान है। सुभान के माने पाक, पाक नहीं है तर्जुमा, पाक कुद्दूस का तर्जुमा है, कुद्दूस, कुद्दूस के माने पाक, अल्लाह सुभान है, कुद्दूस पाक का तर्जुमा, कुद्दूस है, सुभान का तर्जुमा। मेरी तरफ देखे मेरे भाई, खुदा वास्ते मेरी अगली बात जब नतीजे में आएगी फिर आपको सुभान का पता चलेगा। सुभान पूरी लुगत आलमीन में सुभान का तर्जुमा ही नहीं है। जो नीचे सर किए हुए उनकी अपनी मर्जी है, मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता, बेशक वो करते रहे, खुदा के लिए सुभान का तर्जुमा पूरी लुगत में है ही नहीं, सुभान का तर्जुमा ही सुभान है। बात मेरी समझ आई मेरे भाई, सुभान से नीचे सर नहीं रखना, सुभान का तर्जुमा ही सुभान। कौन कह रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान का तर्जुमा ही, ये मेरी बात याद रखनी है, सुभान का तर्जुमा ही सुभान है। जब सुभान का तर्जुमा ही सुभान है तो क्या कहा, सुभान रब्बे का, मेरा हबीब तेरा रब सुभान है। कितनी बड़ी बात है, अब रब रसूल का रब, तेरा रब, तेरे से मुराद कौन है, रसूल, रसूल तेरा रब सुभान है। दलील में क्या कहा, ये तेरा रब सुभान है खबर है, खबर हबीब तेरा रब सुभान है। दलील में कहा रब्बिल इज्जत, जो इज्जत का रब है। गौरनी फरमाए, हाय हाय हाय, समझेंगे नहीं, बैठे रहे, बैठे बिल्कुल, वो बैठे रहे,
दलील में कहा, दलील में तेरा रब सुभान है। दलील क्या दी? रब्बिल इज्जत, ना ना कोई डर, आने दिया, आना जरूरी है, लेकिन उधर भी देखें, लेकिन ज्यादा देर ना देखें। अल्लाहु सल्ले अला मुहम्मदिन व आल। आ जाओ, आ जाओ मेरा पुत्र। अच्छा आइए आइए आइए, सही बस लो जी, अच्छा अल्लाहु अकबर। सुभाना रब्बे का, देखिए मुझे कई हफ्ते लगे इस मजमून को तैयार करने में। आप जो इधर उधर देखते हैं बिल्कुल नहीं समझ आएगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगी समझ जब मैं आगे बढ़ूंगा, समझ नहीं आएगी मेरे भाई। और ये मुश्किल मजल से इल्मे कलाम मनते को फलसफे में पढ़नी चाहिए ताकि आपको पता चले कुरान आले मोहम्मद के बारे में कहना क्या चाहता। पूरी तवज्जो होगी, मैं बात शुरू करूं। सुभाना रब्बे का, मेरा हबीब तेरा रब सुभान है, ये खबर दी आलमीन को। लोगों, ओ बेखबर लोगों, तेरा रब सुभान है। क्या मतलब हुआ? जिस जात में मैं सुभान हूं, वजूद में ये सुभान है। बात समझते हैं रसूल? हैदरी है जाली जाली, तेरा रब सुभान है। दलील क्या कही? दलील रब्बिल इज्जत, वो जो इज्जत का रब है। मालूम हो गया इज्जत और रसूल एक, रसूल का भी रब है और इज्जत का भी रब है। मालूम हो रब की इज्जत ढूंढे, वो रब की इज्जत कौन है? हाय हाय, पूरे रब की। मैं मेरा मौजू चल रहा है वहां इज्जत पर, पूरी इज्जतों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसको इज्जत कहे उस कमाल को फातिमा कहते हैं। और नहीं फरमा रहे, ये इज्जत कौन है? ना ना कौन है इज्जत? कौन है? कौन? मैं आप साहब का हैदरी। इज्जत का रब है, इज्जत कौन है? जनाबे सैयदा ताहिरा, सैयदा ताहिरा रब की इज्जत है। इज्जत मैं जुमला कह दूं, बिल्कुल मैं कह दूं, जो इनकी इज्जत ना करे अगर समझ आइए तो हम समझते जाओ, मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसलिए 14 फरमाते हैं नहनो, बिस्मिल्लाह अंदर आ जाओ, नहनो नहनो इज्जतुल्लाह है व किब्रियाए ही, हम अल्लाह की इज्जत है।
और उसकी किबरियाई की भी इज्जत है। अल्लाह की इज्जत का नाम आले मोहम्मद है। हम इज्जत हैं अल्लाह की इज्जत, और इसीलिए कुरान में सूरह मुनाफिकून में खालिक ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतो, इज्जत है अल्लाह के लिए, वाले रसूल ही और उसके रसूल के लिए, वलिल मोमिनीन और इज्जत है मोमिनीन के लिए। लस कहूं ओहदेदार बदले हैं, इज्जत नहीं बदली। ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, मैं इशारे से कहूंगा, इशारे से कहूंगा, इज्जत जिन की इज्जत तौहीद की इज्जत के साथ हो उनकी गवाही न झुठलाना। समझ आ रही है मेरे भाई? सुनते हैं, सुनते हैं। हैदरी यही से बहस को शुरू करते ताकि बात सही को भी वक्त। ए देखे तेरा रब सुभान है, रब सुभान की निस्बत किसकी तरफ है? रसूल की तरफ। तेरा रब सुभान, सुभान किसका रब है? रसूल का। फिर खुद कहा जो इज्जत का रब है। इज्जत कोई वजूद है, इज्जत कोई कमाल है। अब मैं बहुत बड़ी लफ्ज कहने लगा, और इज्जत लफ्ज वाहिद है, जमा नहीं। ये इज्जत सैयदा वाहिद दलील है, रसूल की बेटी एक है, चार नहीं। तो समझ आइए मेरे पुत्र, आइए। समझ आइए, चार कहते हैं, चार है। मैं कुछ नहीं कहता, लखनऊ में मैं कल ही आया हूं, लखनऊ में मैंने वो काम किया है, पता लगा है कि पाकिस्तान मुल्क है। खुदा की कसम, रब्बल इज्जत, इज्जत के जो के इज्जत का रब है, इज्जत का रब है, इज्जत का रब है। लफ्ज कहूं, इज्जत का रब है। आय अल्लाह तू जो इज्जत का रब है, फिर जब से तू है तब से इज्जत है। उन समय जाइए बाबा, जब से तू है, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, जब से तू है तब से इज्जत है। कहूं जैसा तू है, हाय हाय, इसी रब इज्जत के हवाले से बीबी का नाम है उम्मे अबी हा। हाय 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 हाय, ओ बेखबर लोगों, हाय 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 हाय, उम्मे अबी हा कौन है? जनाबे सैयद आता है सुभान रब्बे का। तवज्जो फरमाएं जनाब, अब बहस शुरू करने लगा हूं मैं। जी जो सुभान रब्बे का, ये सुभान रब्बे का आगे क्या लिखी हुई है? रब्बिल इज्जत। ये जो रब्बिल इज्जत और सुभान के दरमियान में कोई हर्फ, कोई लफ्ज और है? नहीं नहीं, खुदा गवाह है, बहुत से मेरी इस तकरीर के बाद अक्सर जगहों पे लोगों ने कहा इन्हें भुलाओ ही नहीं, समझ तो आनी नहीं। हाय 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 हाय, वो बेखबर लोगों, वो बेखबर लोगों, ना बुलाओ, मैं खड़े होके चौकू में भी कहूंगा हमें आपकी रकम पैसों की जरूरत नहीं, नहीं, नहीं।
رکھیں اپنے پاس خدا آپ کا اور بھی زیادہ. سبحان رب کا آخر تک جو میری بات سماعت فرمائیں اور ٹیپ کریں میرے پتر ٹیپ کریں یہ بعد میں پوچھتے رہیں گے آپ. سبحان رب کا رب العزت یہ جو رب العزت کی لفظ آ رہی ہے نا رب العزت کی یہ سبحان رب کا سے علم نحو میں نحو میں علم نحو میں اللہ کرے آپ کو نحو سمجھ آ جائے. ہائے 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 علم نحو میں سبحان رب کا یہ جو سبحان رب کا رب العزت ہے یہ بدل واقع ہو رہا ہے بدل الکل من الکل. کدی کوئی بدل کا نام سنا بدل سنی ہوئی شکشواشی چودھری صاحب اللہ علم نحو میں علم نحو میں بدل الکل من الکل یہ بدل واقع ہو رہا ہے سبحان سے اے رب عزت سبحان سے بدل واقع ہو رہی ہے لفظ عزت بدل الکل من الکل. بدل بدل کی چار قسمیں ہیں چار. ایک ہے بدل الکل من الکل بدل الباز بدل الاستعمال بدل الغلط چار قسمیں ہیں چار. یہ جو بدل الکل ہے نا یہ عزت لفظ عزت سبحان سے بدل الکل من الکل قرآن خود کہہ رہا ہے بدل الکل من الکل کیا مطلب ہوا جو کمال سبحان میں ہے وہی کمال عزت میں ہے. ہائے 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 جو کمال سبحان میں ہے جنہیں سمجھ نہیں آئی بیٹھے رہے جو سبحان میں کمال ہے وہی کمال عزت میں ہے. اسی لیے اللہ نے سیدہ کو عزت میں وجود دیا وجود کو عزت کہا وہاں ذات کو سبحان کہا. اور بدل کیوں لگایا اس لیے بدل لگایا جاتا ہے جب تمہیں یہ بدل اور سبحان ہے مبدل من ہو جب تمہیں مبدل من ہو کی سمجھ نہ آئے تو پھر میرا بدل دیکھو. جنہیں سبحان کی سمجھ نہ آئے وہ سیدہ کو دیکھیں. کہوں جملہ رسول پڑھ رہا ہے سجدے میں سبحان رب العالی کہا حسین پشت میں بیٹھ جا. ہائے ہائے سمجھ آئی یہ کیا واقع ہو رہا ہے بدل الکل من الکل من کل نہیں خیال ہے گل گئی. اب میں پڑھاؤں بھی تو سناؤں ڈبل ڈیوٹی ہائے ہائے وسیع قوم ہائے 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 یہ بدل ہے. اچھا ایک میں مثال جلدی سے دے دوں اہدنا الصراط المستقیم یہ مبدل من ہو ہے صراط الذین انعمت علیہم یہ بدل ہے بدل الکل من الکل. اہدنا الصراط المستقیم بدل الکل یہ دیکھیں کیا ہے مبدل من اس کا بدل کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم کون ہے علی فرماتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم ہم چودہ صراط مستقیم اس کا بدل کیا ہے بدل صراط الذین لغت میں بھائی علم نحو میں صراط الذین انعمت علیہم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. یہ کیا واقع ہو رہا ہے بدل الکل من الکل کیا مطلب ہوا جو صراط مستقیم ہے وہی صراط الذین انعمت علیہم. جو
सिराते मुस्तकीम है, वही सिरात लजीना अनामत अलैहिम है। मसला खिलाफत तो हल हो गया। सिराते मुस्तकीम है इन लोगों का रास्ता है, यहाँ गैर है ही नहीं। खत्म सही खत्म हौली हौली गल करे खत्म। अनंत अलैहिम आज तक दुनिया, ये जो तूने नाम किया इनाम क्या है? कोई डर नहीं सही। आज बैठे रुक, मैंने भी आगे पढ़ना है, जनाब ने भी पढ़ना है, बैठे हैं आज बैठे रहो। क्यों नहीं पढ़ते आप? अनाम तालहम रोज नमाज में पढ़ते हैं या नहीं? इनाम क्या है? इनाम हाँ हाँ क्या है? सुना है इसीलिए मुझे खबर है। पूरे पाकिस्तान में अनाम तालहम इनाम किसी ने नहीं बताया। बेहमदिल्ला पाक ने मुझे फरमाया है हम हैं। ये इनाम है अज्र रिसालत, और इस अज्र रिसालत का मरकज है सैयदा, इसलिए अल्लाह ने इज्जत कहा सैयदा। अज्र रिसालत का मरकज कौन है जनाब? सैयदा है या नहीं? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये क्या है? बदल वाके हो रहा है सिराते मुस्तकीम का। अच्छा आप खुश हो जाए, नारा भी एक लगवा तो लूं मैं। अच्छा बस हिको से है दरी एहदना सिरातल मुस्तकीम। मेरे भाइयों ने मैं भाई कह के उनसे हाथ बांध के कहता हूँ, खुदा के लिए मेरी बात पे नाराज नहीं होना। उलमा ने लिखा है रसूल खुदा के बाद इनके जमाने में सूरह अलहम्द का तर्जुमा लिख के ना इन्होंने खत भेजा बादशाह रूम को कि अलहम्द हमारे पास खालिक ने भेजी, हम कुरान में पढ़ते हैं इसका ये तर्जुमा है, आप मुसलमान हो जाए। खत बंद किया, कासिद वहां पहुंचा बादशाह रूम के पास, उसने उमरा वजरा को के मदीने से खत आया है, खोला तो ये अलहम्द का तर्जुमा लिखा हुआ था। उलमा दानिश्वर हुकमा ने बैठ के उस तर्जमे को पढ़ते पढ़ते जब आए ना एहदिना सिरातल मुस्तकीम पर, उन्होंने कहा ये मशकूक है, सुर्ख लाइन लगाओ। सुर्ख लाइन लगा दी, बस सुर्ख लाइन खतरे की निशानी है। नीचे उन्होंने नोट लिखा एहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा ठीक करो फिर हम मुसलमान हो जाएंगे। खत बंद करके वापस भेजा, जब आया मदीने में है जिसने भेजा था उसी ने खोला। वैसे तो आप कहते हैं हमें सब कुछ आता है, हाय हाय खोला जो जो लिखा आता कि यह तर्जमा ठीक करो। साथ वाले ने कहा सही ये तर्जमा तो ठीक नहीं है, उनके नजदीक कोई दूसरा तर्जमा कहते आता ही नहीं, जिन्हें एक तर्जमे के अलावा वो भी सही नहीं है ना आए वो वारिस कुरान नहीं हो सकते। घबरानी घबराना नहीं, अजद गल शुरू नहीं हुई ना। उन्होंने नीचे नोट लिखा इस तर्जमे को ठीक करो, खुश हो जाए बात जल्दी आगे बढ़ाते। उन्होंने तर्जमे में क्या लिखा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मदीने से तर्जमा गया मदीने पाक से, क्या तर्जमा हुआ? दिखा हमें सीधा रास्ता। इन्होंने ये तर्जमा लिखा, उन्होंने नोट में लिखा जब तुमने ही नहीं देखा। हाय ओ मैं कुर्बान हो जाऊं, समझ आई मेरे भाई? चलो हैदरी बात मैं ज्यादा लंबा ना करूं, ए हुन मकसद की तरफ आ, बिल्कुल मकसद। जब सैयदा ए मैं अभी इंशाल्लाह 13 दिन में पढ़ रहा हूं, ये मौजू मेरा आएगा वहां सुनने के लिए आएंगे तो आपकी मर्जी। 13 दिन मेरा मौजू शुरू है आयत के हवाले से, इस आयत से नहीं पीछे और आयत है, ए यही आएगा मौजू। देखिए बीबी इज्जत है रब की। अब मेरे साथ जब इज्जत है बीबी, इज्जत सुबहान का बदल है, सुबहान अल्लाह है।
عزت فاطمہ وہ ذات میں سبحان ہے، یہ وجود میں عزت ہے۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ اے اب میں بالکل بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب سیدہ پاک سبحان کا بدل ہے، سبحان کا بدل ہے، پھر میں دوسری لفظ کہوں، کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، مستور سے ہوتا۔ شادیاں ہوتی ہیں آپ کی یا نہیں؟ مرد کے ہاں کیسی ہی عورتیں کیوں نہ ہوں، مرد کی شان میں فرق نہیں آتا۔ ہن اپنے خیالوں میں شروع ہو، میری گل گئی، جناب نوح کے گھر کیسی بیوی تھی، جناب لوط کے گھر کیسی بیوی تھی، اجے نہیں سمجھے؟ یہ تو امتی ہیں، امتیوں کی مثال دی ہے میں نے۔ گھر میں کیسی ہی بیوی کیوں نہ ہو، مرد کی شان میں فرق نہیں پڑتا، لیکن کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے۔ او دنیا والو، جب سبحان کی عزت فاطمہ ہے، سبحان کا بدل فاطمہ ہے، پھر مان لو، مان لو، مان لو، وہ جو ستارہ اترا تھا جناب علی کے گھر، وہ انتخاب کے لیے نہیں اترا تھا، وہ شادی کے اعلان کے لیے اترا۔ حیدری، کچھ سمجھ آئیے؟ بڑی بحث کروں گا میں اس میں، ان مجالس میں یا نہیں کروں۔ اس لیے سیدہ کس کا بدل ہے؟ سبحان کا۔ بات کو میں آگے بڑھاؤں، جب سیدہ، آخر تک میری آواز سماعت فرمائیں، جب سیدہ طاہرہ سبحان کا بدل ہے، سیدہ سبحان کا بدل ہے، اور کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے، پھر یہ عدل الہی کا تقاضا ہے، جو سیدہ کا شوہر ہو اس کا سبحان ہونا ضروری۔ غور نہیں فرما رہے؟ نہیں سمجھ آئی اجے؟ ہائے ہائے دری، میں کیا کہہ رہا ہوں میرا بھائی؟ جو سیدہ کا شوہر ہوگا، سیدہ تو بدل ہے نا، للرجال علیہن درجہ، ایک درجہ مرد کا زیادہ ہوتا ہے مستور سے، مستور سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب سیدہ سبحان کی بدل ہے، تو بے شوہر کا مقام کیا ہوگا؟ وہ میری طرف دیکھے، وہ میرے بھولے پاکستان لاہوری ہو، بھولے لاہوری ہو، جب سیدہ سبحان کا بدل تھا، سبحان نے رسول سے کہا، اگر غدیر پہ اعلان ولایت نہ کیا تو میری رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فما بلغتا رسالت، رسالت پہنچائی ہی نہیں، کیا مطلب ہوا؟ رسول ساری رسالتیں ایک طرف، اکیلی جناب علی علیہ السلام کی ولایت ایک طرف، کل رسالتیں، رسالتیں رسالتیں میں توحید بھی آتی ہے، نبوت بھی آتی ہے، ساری رسالتیں ایک طرف، اکیلی علی کی ولایت ایک طرف۔ اگر تو نے نہ پہنچائی، نہ پہنچائی، فما بلغتا رسالتا، اللہ کی رسالت پہنچائی نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا، کیا مطلب ہوا؟ اللہ یہی کہتا ہے پہنچا دے۔ اگر کسی نے ولایت علی کو نہیں مانا، سمجھ لو اس تک رسالت پہنچی ہی نہیں۔
मैंने लखनऊ में एक आदमी को डांट लिया, वो पढ़ते मैं मसाई प्याने लगा, वो पानी पीने उठ गया, भाई मैं क्या बड़ा प्यासा ही था। इन बिचारों को क्या खबर मजलिस का होती है। तो अब क्या होना चाहिए? इसी वजह से रसूल खुदा ने मन कौन तो मौला हो फहद अली और मौला, जल्दी बात खत्म करूं, फौरन आयत आई अल यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल किया। जब दीन बगैर विलायत के कामिल नहीं होता, वह तुम्हारी नमाजें कैसे काम, नमाजें लिए फिरते हैं। अभी 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 यार, ये नमाजें पढ़ रहे हाँ, खुदा के लिए नमाजें बचाओ। ए बहस करने लगा हूं, नाराज जिन्होंने होना है हो ले, दलील मेरी सुन के नाराज। अभी दलील दलील, इधर विलायत अली का ऐलान हुआ, क्या आवाज आई, अल यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। और मैंने अपनी नेमत को आज तमाम कर दिया। वरजी तो लकुमल इस्लाम दीना, हाँ जी जी जी, क्या है? आज पुत्र आज अबू बैठे आपके बुलाते, जा जा जा, ओ वो बुलाते, हाँ जा 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 अबू के पास जाओ, जा मेरा पुत्र। वरजी तो लकुमल इस्लाम, गल अच्छी नहीं लगी, गल तो ये होनी करनी है, जो बात मैंने करनी है अब करनी। शुक्र है अकेले ने कहा है, बहुत अच्छी, सारे पास है। मुका देते हैं अभी, मुका ए, मुझे आप तवज्जो समाज पर बात मुक गई, बस आए मेरे बात सही पढ़ेंगे। देखिए अतमम तो अलैकुम नेमत, इकबाल और इतमाम इस पर मैं लंबी बहस बाद में करूंगा, सिर्फ एक लफ्ज इतमाम, अलिफ ते मीम अलिफ मीम, इतमाम किसे कहते हैं? प्रोफेसर साहिबान तशरीफ रखते इस वक्त बैठे हुए, बड़े बड़े डॉक्टर साहिबान तशरीफ, पीएचडी बैठे हैं, पीएचडी मैं कह रहा हूं, फरमाए इतमाम किसे कहते हैं? इतमाम, अब मैं पानी आगे जेड़ा हुआ पानी, इतमाम अलफ ते मीम अलफ मीम, इतमाम इतमाम के माने हैं मेरे भाइयों, इतमाम इतमाम के माने हैं असल के नुकसान का जायल कर देना। असल ना लाहौर के खत्म हो, असल नुकसान का जायल कर देना। विलायत अली ने दीन में जो नुकसान होना था वो सारा खत्म कर दिया। इत्माम के माने हैं असल नुकसान का जायल कर दे। असल नुकसान था ना कि अगर विलायत अली अलैहिस्सलाम का ऐलान ना होता पूरा दीन खत्म, दीन असल नुकसान, असल असल क्या था? दीन, दीन में तौहीद भी, रिसालत भी, नबूवत भी, इमामत भी, नमाजें भी, रोजे भी, निकाह भी, तलाक भी, हर शय खत्म। मौजे करे मौजे, हाय 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 हाय। अब विलायत अली से असल नुकसान खत्म,
क्या मतलब हुआ? अगर पूरे दीन में अली निकल जाए, विलायत अली निकल जाए, तो असल का वजूद ही नहीं रहता। मेरी गल हुण सट रही नहीं, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। इत्माम, इत्माम के माने अगर जनाब अली की विलायत को निकाल दे, पूरा दीन खत्म, खत्म। दीन और शरीयत दीन के अंदर है, नमाजें दीन नहीं, अकीदा दीन कहलाता है, अमल शरीयत। हज में अल्लाह ने लगाई, अतिमु सियाम इल्लैल में रोजे में भी है, उसको नहीं छेड़ना वक्त नहीं। अतिमुल हज वल उमरा लिल्लाह, तमाम करो, इतमाम करो हज और उमरा को। मालूम हो गया कोई शाय है, जैसे हज और उमरा इत्माम होता है, जैसे दीन में विलायत अली है। अब वो हज का आखिरी रुकन कौन सा है जिससे हज तमाम होता है? कौन सा रुकन है? कितनी हाजी साहबान बैठे, ना ना कौन सा यार, कौन सा है ना जी? वह कम क्रिया पहले जो है वह मेरा बचना है, 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 है। वह उसके बाद फिर ये मार के ये करने हैं, फिर कुर्बानी करनी है, ये तो जोज है। आखिरी कौन है? है वो तवाफुन निसा। ए है सुलारी साहब ठीक कहा आप, तवाफुन निसा, तवाफुन निसा है हज का आखिरी जोज। जब तक ये न हो हज होता ही नहीं है। अब जो तवाफुन निसा नहीं करते तभी तो दुश्मन अली पैदा हो रहे हैं। क्यों पैदा हो रहा है? क्यों, क्यों? अगर तवाफुन निसा नहीं किया, एक हज बातिल, एक बीवी हराम। मौजा करो मौजा। हज बातिल, बीवी हराम, यही हराम की वजह है कि दुश्मन अली ज्यादा पैदा हो रहे हैं। तो अब मालूम हुआ अगर हज में, हज में वो भी इत्माम की लफ्ज है, तवाफुन निसा ना हो हज बातिल, अगर नमाजों में अली युन वलीयुल्ला ना हो, वो ना हो, ना हो, नमाजे बातिल, हज बातिल। अब आपके सामने शहनशाह फजलो मुसाहिब जनाब अलामा अली नासर अल हुसैनी तराड़ा साहब अपने मखसूस अंदाज में फजाइल अली अलैहिस्सलाम बयान